अस्सलाम वालेकुम तुलबा, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर फ्रॉम कंसेप्ट डेवलपर एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि आज मीटिंग थी सूबाई जो वज़रा है, जो तलीम है, उनकी आज मीटिंग थी। तो उसमें कुछ फ़ैसले किए जाने थे। उन फ़ैसलों में ये था कि आपकी छुट्टियां कब होंगी, आपके पेपर का मोड ऑफ पेपर्स क्या होगा, उनकी डेट शीट कब जो है डिसाइड की जाएगी, और किन क्लासेस के जो हैं पेपर और पेपर होंगे और कैसे होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज की मीटिंग में जो है डिसाइड होनी थी। तो शफकत महमूद साहब की तरफ से ये मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होनी थी, जो जिसका टाइम जो है पहले बताया गया कि ये 11 बजे है। उसके बाद इसको 3 बजे तक जो है पेंडिंग किया गया। अब 3 के बाद जो है दोबारा इसका टाइम जो है 4 बजे रख दिया गया। तो अभी जो रिसेंटली जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि आपकी जो मीटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, और उसमें ज़्यादा जो वज़रा हैं उनका यही मौक़िफ़ है कि हमारी 9th और 11th क्लास को जो है वो किसी तरह प्रमोट किया जाए, जिनमें जो है वो दूसरी क्लासेस जो हैं उनकी तो कह लेंगे पेपर लेने में मेरे नहीं ख्याल कि उनके जो है पेपर मतलब के नहीं होंगे। इसमें सिर्फ ये हो सकता है कि उनका मोड ऑफ पेपर का चेंज किया जाए या उनको एक्सटेंड किया जाए, ठीक है। लेकिन 9th और 11th मेरे ख्याल में 99% जो है वो प्रमोशन के बिल्कुल पास है। तो ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। तो उसके बाद दूसरी बात ये है कि शफकत महमूद साहब की जो इस मीटिंग में हमारे मुरादराज साहब का जो है वो ये कहना है कि पेपर हर सूरत और हर क्लास के होंगे, जबकि सिंध के वज़ीर जो सूबाई वज़ीर हैं उनका ये कहना है कि नहीं, उनको प्रमोशन की, उनकी बाकी जो वज़रा हैं सूबाई वज़रा हैं उनका ये कहना है कि 9th और 11th के भी पेपर जो हैं वो ना लिए जाए, उनको प्रमोशन दी जाए। लेकिन जो हमारे मुरादराज साहब हैं वो डटे हुए हैं कि हमने पेपर जो है वो लेने हैं। ये अभी तक जो है रिसेंटली है। अगर आप मज़ीद जो है ऐसी मालूमात चाहते हैं तो हमारे साथ जो है वो जुड़े रहें, जल्दी से जल्दी आपको हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, और इंशाल्लाह हमारी ऑथेंटिक न्यूज़ होती हैं और होंगी इंशाल्लाह। थैंक यू जी, बेस्ट ऑफ लक।